हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस सेटलमेंट के हवाले से। बिज़नेस किस कंट्री में किया जाए, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से इंटर हुआ जाए। काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं क्योंकि बिज़नेस से रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ पहले भी, और मज़ीद भी मैं आइंदा दिनों में भी बनाता रहूँगा। तो ऐसे काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो मुझसे पूछते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कैसे एंटर हो सकते हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें जाके हम लोग इजीली अपना बिज़नेस, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जब वो इंडिया या पाकिस्तान से बिज़नेस कर रहे होते हैं या बांग्लादेश से बिज़नेस कर रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती उनको, इतना ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होते उनके ऊपर, क्योंकि उनकी जो कंपनीज़ रजिस्टर्ड होती हैं वो इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में होती हैं। तो काफ़ी सारे लोग अवॉइड करते हैं, ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं या जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं वो लोग अवॉइड करते हैं वहाँ से परचेजिंग वगैरह करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इवन आप यूरोप में भी अपना बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हो। इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि एस्टोनिया एक कंट्री है, एक छोटा यूरोपियन कंट्री है जो आपको ई रेजिडेंसी देता है। ई रेजिडेंसी के बेस पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो, अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, आपको वहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड करने पर या कंपनी के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। $100 में जो है वो आपको ई रेजिडेंसी देता है, तो वो अप्लाई करके आप ऑनलाइन जो है आपको एक्सेस मिल जाता है वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करने का, उसके अलावा जो है अपना बैंक अकाउंट ओपन करने का। तो वो आप वहाँ पे वर्चुअल ऑफिस वगैरह आप शो कर सकते हो अपना, उसकी बेस पे आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ई रेजिडेंसी के थ्रू आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते एस्टोनिया में, लेकिन आप अपना बिज़नेस सेट कर सकते हो। आपका जो बिज़नेस अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो वहाँ का होगा, आपकी कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड होगी, तो जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं आप उस अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। तो वहाँ के कंपनी की बेस पे आप अपना जो पेपाल अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो, पेपाल बिजनेस अकाउंट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा चलो ये तो एक वर्चुअल कंपनी हो गई, ई कंपनी हो गई जो आप कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इजीली आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हो और कम पैसा लगाए आप वहाँ पे अपनी कंपनी बना सकते हो और बिज़नेस जो है उसके थ्रू जो है आप चला सकते हो। देखो, आजकल जो बिज़नेस चलता है ना, उसके लिए आपको फिज़िकली उस कंट्री में आपका प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। आप इंटरनेट के थ्रू बैठ के भी ऑर्डर पकड़ सकते हो, आप इंटरनेट के थ्रू बैठ के डीलिंग्स कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको वर्चुअल ऑफिसेज मिलते हैं, उसके अलावा आपको ऑफिसेज मिलते हैं डेली बेसिस पे, बिज़नेस सेंटर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनसे जब भी आपको वहाँ जाना है, विजिट पे आप जा रहे हो, उस कंट्री में जाते हो जहाँ पे आपने कंपनी रजिस्टर्ड की है, वहाँ पे आपको किसी क्लाइंट से मिलना है, तो उससे मिलने के लिए आपको वहाँ पे एक फिज़िकली ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बने बनाए ऑफिसेज होते हैं वो डेली बेसिस पे मिलते हैं, डेली का रेंट आप पे करते हो, जितने दिन के लिए आपको चाहिए कॉन्फ्रेंस रूम्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आजकल जो है ना डिजिटल दौर है, ये दौर वो नहीं है कि आपने एक बहुत बड़ी कंपनी बना ली, उसका एक आलिशान ऑफिस बना लिया, आप उस ऑफिस में बैठ रहे हो, उस ऑफिस में आपने 10 बंदे बिठा लिए, तो ये सारी चीज़ें आजकल मायने नहीं रखती। ठीक है, आजकल पूरा डिजिटल दौर है, इंटरनेट के थ्रू सारे काम जो है वो हो जाते हैं। तो जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं इस टाइम में जहाँ पर आप कम पैसों में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो, और जो इंटरनेशनल बायर्स हैं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल बायर्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं, मतलब अगर वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं तो वो अवॉइड करते हैं पाकिस्तान जाने से, या अवॉइड करते हैं इंडिया जाने से, या बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जाने से अवॉइड करते हैं। तो उनके साथ आप कैसे इंटरेक्ट करो, उनके साथ कैसे मिलो, और जो वेस्टर्न मार्केट्स हैं उनको आप कैसे कवर करोगे। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया और पाकिस्तान में बैठे हो, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड वहीं है, कुछ ट्रस्ट भी इतना ज़्यादा ईजीली नहीं होता इंटरनेशनल बायर्स को। तो जब आप फॉरेन में चले जाते हो, आप अपनी कंपनी फॉरेन में बनाते हो, दूसरी कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में बनाते हो, यूएई में बनाते हो, क्योंकि यूएई में थोड़ा टफ है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है कंपनी बनाने के लिए। तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके लिए बेस्ट मार्केट है यूएई, क्योंकि यूएई एक ऐसी मार्केट है जहाँ से ज़्यादातर रीसेल होता है, मतलब री एक्सपोर्ट किया जाता है माल,
डिफरेंट कंट्रीज से माल आता है यूएई, फिर यूएई से वापस वो दूसरी कंट्रीज में जाता है, उसको री एक्सपोर्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूएई में कंपनी बनाते हो तो जो अच्छे खासे इंटरनेशनल बायर्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे आपके ऑफिसेज के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी आप वर्चुअल ऑफिसेज बना सकते हो, यहाँ पे भी आप फ्री जोन में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो, और यहाँ पे आप ऑफशोर कंपनीज भी बना सकते हो। ऑफशोर कंपनी की बेस पे आपको रेजिडेंसी वीज़ा नहीं मिलता, ये आप अपने माइंड में रखिए। ये सिर्फ आपके जो बिजनेस हैं उसके लिए एड्रेस वगैरह दे सकते हो, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, ये भी उसी तरह जैसे एस्टोनिया के लिए मैंने आपको बताया, तो इसको भी ऑनलाइन आप हैंडल कर सकते हो। जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं वो उस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ऑफशोर कंपनीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो चीप ऑप्शन है जहाँ पे फिजिकली आप कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो वो कौन सी कंट्रीज हैं, तो सबसे बेस्ट इस टाइम पे जो कंट्री चल रहा है वो है अजरबैजान। अजरबैजान में आप बहुत कम पैसों में, बहुत चीप प्राइस में कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो। अच्छा, वहाँ पे एक बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे एक लाइसेंस के ऊपर आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। मतलब आपने एक रेस्टोरेंट खोल लिया वो भी उसी लाइसेंस पे होगा, फिर आपने एक ग्रोसरी शॉप खोलना है तो उसके लिए आपको अलहदा कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा। सेम लाइसेंस के ऊपर आप जो है वो अपनी ग्रोसरी शॉप भी रजिस्टर्ड करवा सकते हो। ठीक है, तो जितने चाहे आप बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए आपको हर एक्टिविटी के लिए अलग लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। तो बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम जो अजरबैजान, क्योंकि उसका जो वीज़ा है वो भी बहुत इजी है, ई वीज़ा है, ऑनलाइन आपको वीज़ा मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है, और जो आपके बायर्स हैं वो भी इजीली आपके पास आ सकते हैं। इंटरनेशनली जो आपके साथ मीटिंग्स करना चाहते हैं वो भी इजीली आ सकते हैं, एक्सेस है बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों को इजीली, वहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री भी है काफ़ी सारी कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को, और जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोग हैं वो ई वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर रेंट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम पड़ते हैं, आप वहाँ पे खुद जाके बैठ भी सकते हो, उसके अलावा आप उस कंपनी को अपने मुल्क में बैठे बैठे भी रन कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो इस टाइम में जिस कंट्री को प्रेफर कर रहा हूँ कम पैसों में कंपनी बनाने के लिए वो अजरबैजान है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।